हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? चार स्टेटमेंट है। ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। द रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड इज फिक्स्ड। चार यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में हम लोग को बताना है कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। जो करेक्ट होगा वो हमारा गलत होगा। ठीक है, तो पहले कंपाउंड होता क्या है कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड विच हैज बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। तो कंपाउंड यही होता है। तो कंपाउंड में क्या होता है कि एक से ज्यादा, जैसे मान लो कोई कंपाउंड का बात करता है, H2O एक कंपाउंड है, ठीक है, या CH4 एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो, कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाए। दूसरा है केमिकल कंपाउंड सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से इसको क्या अलग कर सकते हैं? तो देखो, कहीं कहीं पर केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, केमिकल फिजिकल मेथड से सिर्फ नहीं होगा। फिजिकल मेथड से कहीं कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कई जगह पर इसको केमिकल मेथड से इसको करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा मतलब कि सही है, फिजिकल केमिकल मेथड से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। तीसरा है कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो रहता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड रखता ही है। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। यही हमारा सही आंसर होगा। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस दोनों के मिक्सचर से क्या बना? एक कंपाउंड बना, वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग होता है, और वाटर का प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है। ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था उसका जो प्रॉपर्टी है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी ये कंपाउंड रखता है। तो ये जो हमारा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, तो नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और बोला गया है द रेशियो ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इज फिक्स। बोला रेशियो जो डिफरेंट एटम का होता है वो फिक्स होता है। बिल्कुल, अगर H2 में हाइड्रोजन और वाटर का एटम्स का रेशियो देखोगे तो 2:1 है। ठीक है, ये फिक्स है, इसी कंपाउंड फिक्स रेशियो में मिलेगा तभी वाटर बनेगा। अगर इसका रेशियो 2:2 हो जाए, जैसे H2O2 हो जाए, तो ये वाटर नहीं बन पाएगा, ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो हर कंपाउंड का रेशियो जो होता है आटम का वो फिक्स होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।